चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। पिछली बार हमने क्या देखा था, हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड देख लिया था। दोनों केसेस, तीनों केसेस बता दिए थे मैंने, दो ही केसेस थे बेसिकली। और वैसे तो मुझे आज न्यूमेरिकल करवाने थे इसके, क्योंकि पिछली बार तो मैंने पूरी थ्योरी बता दी थी, पूरे डेरिवेशन बता दिए थे, बट ठीक है, एक दो केसेस और देखेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तीन मोशन बता दिए थे। अगर वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसा मोशन करेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल। और अगर वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी है एंड नॉट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, मतलब कोई भी आर्बिट्री एंगल बना रहा है, तो फिर कैसा मोशन करेगा, हेलिकल मोशन करेगा। ठीक है, और मैंने एटलीस्ट पहले वाला पार्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से बताया था। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया था कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, एक केस और करवाता हूँ, उसको बोला जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है एक स्पेशल केस है, इसका ध्यान देना। वेलोसिटी सिलेक्टर होता है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बहुत जगह यूज होगा तो ढंग से समझना। यूज कहाँ पे होता है, यूज होता है कि जब आप किसी भी चार्ज पर, देखो आप एक चीज समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टिकल, ये चीज समझने की कोशिश करना ये कहां पे यूज होता है। वैसे इसके मैं दो तीन एप्लीकेशन बताता हूँ, ध्यान से समझना, फिर मैं डायरेक्टली आगे जाऊंगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन बता दूंगा। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, इसको मान लीजिए मैंने चार्ज दे दिया, वेलोसिटी दे दी, चार्ज पार्टिकल है क्यू और एम, इसका जो है चार्ज है, मास है। हमें पता है कि अगर इसे वेलोसिटी दी, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ ऐसे सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। अब कंटिन्यूअसली करता जाता है, ये कभी रुक नहीं सकता, ये हमेशा क्या करता रहेगा, कंटिन्यूअसली क्या करेगा, सर्कुलर मोशन ही करता जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर व्हाट हैपन, कि अगर मैं चाहता हूं इसको निकालना बाहर, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालना चाहता हूं, ये तो निकलेगा ही नहीं कभी भी। मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो बाहर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, वेलोसिटी सिलेक्टर का। ठीक है, अरेंजमेंट मैं भी बताऊंगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेलोसिटी सिलेक्टर कहाँ पे यूज होता है, तो सबसे पहले आप बोलोगे, क्या बोलोगे, कि सर एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है और आप उसे निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, तो वो एक ही तरीके से निकल सकता है, आप क्या करो, वेलोसिटी सिलेक्टर का यूज कर लो। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज बता देता हूँ, सबसे पहला कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज्ड इफ वी वॉन्ट टू रिमूव एनी चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये पहला यूज है। ठीक है, दूसरा भी बताऊंगा अभी, दूसरा और क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहले मैं अरेंजमेंट बता देता हूँ कि ये बनता कैसे है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, दो फील्ड यूज करते हो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
ठीक है, तो बी मैं यहां पे बोल रहा हूँ, बी इज बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब समझना इस चीज को, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को, ये पार्टिकल यहां पे है, इस पे है प्लस चार्ज प्लस क्यू, मास है एम। सोचो अगर मान लीजिए मैंने इसे वेलोसिटी दे दी यहां पे, ऐसे इस डायरेक्शन में दी, कौन बताएगा ये किस तरफ भागेगा? ये किस तरफ भागने की कोशिश करेगा? क्या ये स्ट्रेट जाएगा कि रोटेट होगा? रोटेट होगा, इट विल रोटेट, ऑब्वियस सी बात है। रोटेट क्यों हो रहा है? रोटेट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, ये है मैग्नेटिक फोर्स, ये मैं भी निकालूंगा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो इसे क्या दे देगा? ये सर्कुलर मोशन देगा। और अगर आपने कुछ अप्लाई नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा चीज अप्लाई नहीं किया, तो ये ऐसे होता हुआ इस प्लेट से टकरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये ऊपर वाली प्लेट से टकरा जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रेट ही निकल जाए, आगे की तरफ स्ट्रेट निकल जाए, अब बताओ क्या करूं? सर नीचे भी सेम, इसको हटा देता हूं, ठीक है ना, फिलहाल हटा देता हूं, ठीक है, फिर बाद में लिखूंगा, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू टू मेक दिस चार्ज डज नॉट डिफ्लेक्ट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहे, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप जितनी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लगा रही थी उतनी ही आप नीचे की तरफ लगा दो। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, तो नीचे की तरफ कैसे लगाऊंगा? ध्यान देना, मैं कोशिश करूंगा कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग जाए, ठीक है, कोशिश मेरी यही कोशिश है, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ कौन फोर्स लगाएगा? तो आप बोलोगे सर एक मैग्नेटिक फील्ड और लगा दो अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा उसको कोई फायदा नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि फिर तो बात वही होगी, ये एक मैग्नेटिक फील्ड आपने ऊपर की तरफ लगा रखी और उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लगा रखी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक नीचे की तरफ अप्लाई कर दो, तो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का सबसे इजिएस्ट तरीका कौन सा है? दो प्लेट लो, ऊपर वाले को क्या दे दो? पॉजिटिव चार्ज, और नीचे वाले को दे दो नेगेटिव चार्ज। कैसी फील्ड प्रोड्यूस होगी, कौन बताएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये मूव करते हुए आ रहा था और इसने देखा कि अंदर जो है, जैसे ये मूव कर रहा है, जैसे अंदर घुसा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसने देखा कि इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी एफ एम, ठीक है। टू अलाउ दिस चार्ज पार्टिकल टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, मैं चाहता हूं कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि नीचे की तरफ होगी। ध्यान देना, ये नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों परपेंडिकुलर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है? दिख रही है परपेंडिकुलर है सर, दोनों दोनों चीज, दोनों मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। तो ई इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो जो फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल पे वो नीचे की तरफ ही लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स अगर एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाए, तो अगर ये वी वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है इस रीजन में ऐसे, ठीक है ना, इस रीजन में सिर्फ इतने पार्ट में, ये स्ट्रेट भाग जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, सीधा निकल जाएगा। तो इफ
the force applied by magnetic field and electric field are equal and opposite these forces cancel out each other and the charged particle will move undeflected in straight line. बात समझ में आई क्या? इमेजिन करो, इस चीज को इमेजिन करना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मान लीजिए सिर्फ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यहां तक ही प्रेजेंट थी. ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. सिर्फ यहां तक है मान लीजिए, मतलब इधर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो क्या ये बाहर निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से? यस सर, निकल जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो जैसे ही यहाँ पे जाएगा ये सीधा बाहर निकल जाएगा. तो ये बाहर निकालने का तरीका है. ठीक है, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा जब भी पार्टिकल को बाहर निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर. वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है? टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच अ वे कि इन दोनों की फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए. ठीक है ना? अच्छा, अब ध्यान से समझना इस चीज को. ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन इसके निकलवा दूंगा. एक एप्लीकेशन तो ऑलरेडी बताया, दूसरा ही बताऊंगा. ठीक है ना? अब ध्यान से समझना इस चीज को. इसको बुक में ना दो तरीके से किया जाता है. क्या? ध्यान देना. सबसे पहला मेथड तो क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो? इक्वल. अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई. चार्ज कितना है? क्यू. इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी क्यू इंटू ई. बात समझ में आ गई? यस. ओके, मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी. वी क्या है? वेलोसिटी. क्योंकि एक स्पेशल वेलोसिटी है तो इसको मैं वी नॉट नाम दे रहा हूँ. ध्यान देना, अभी पता चल जाएगा ये स्पेशल वेलोसिटी है तो इसे मैं वी नॉट नाम दे रहा हूँ. क्यू वी नॉट यहाँ लिख देता हूँ. वी नॉट इज दी, यहाँ पे डैश लिख रहा हूँ मैं, इसमें ऐड करूंगा. ठीक है ना? इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. अभी यहां मुझे कुछ ऐड करना है. V नॉट B. अब ध्यान देना दोनों के बीच में एंगल कितना. देखो V नॉट है इस तरफ, ठीक है, और B इनटू द प्लेन है, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा एंगल. यस. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Q V नॉट B साइन 90. तो यहां से आया QE Q V नॉट B. क्यू क्यू कैंसल आउट हो गया, यहां से आपको V नॉट पता चल जाएगा. कि कितनी वेलोसिटी आपको पार्टिकल को देनी पड़ेगी ताकि वो स्ट्रेट लाइन में भागे, तो V नॉट देनी पड़ेगी. दिस इज दी वेलोसिटी given to the particle such that it will move undeflected. अब क्योंकि एक स्पेशल वेलोसिटी है जो किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान देना, ये कौन डिटरमाइन करता है कि ये वेलोसिटी कितनी होगी? So, ये डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती. इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. यहां लिख दे रहा हूं, इट इज डिटरमाइंड
by electric and magnetic field. मतलब ये एक स्पेशल वेलोसिटी जो कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की और जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की, तो ये एक फिक्स्ड वेलोसिटी हो जाएगी। अब क्योंकि ये फिक्स्ड वेलोसिटी है तो मैं इसे एक वेलोसिटी नाम दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, अब नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। बात समझ में आई? यस सर। जैसे ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बेटर ये एग्जाम्पल दूँ। मान लीजिए कि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखी है, दो टेस्ला की, ठीक है, और बीच में आपने प्लेट लगा रखी है ऐसे, ठीक है, इन दोनों के बीच में इसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ऊपर वाले को, उसको दे रखा है नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है लगभग 20 न्यूटन पर यूनिट कूलम। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान देना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताओ यहां पे एक चार्ज है, उससे कितनी वेलोसिटी दूं कि वो सीधे ही भाग गए। तो आप क्या बोलोगे? सीधा भागने वाली वेलोसिटी, मतलब इट विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, वो कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यही डिसाइड करती है। तो आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे। बात समझ में आया क्या? हाँ, 90 डिग्री है ना, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो तो क्यू इंटू ई होता है, उसमें तो कुछ लेना देना नहीं है। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो वी और बी के बीच में एंगल देखना पड़ेगा, और वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। तो अब इमेजिन करो कि अगर इस पार्टिकल को आपने 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी और ये एंटर करा यहां पे, तो ये सीधा भाग जाएगा, सीधा निकल जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब अगर आपने बोला सर व्हाट हैपन कि इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना बेसिकली इसका मतलब क्या, समझ में आ गया ना सभी को, इसे मैं हटा रहा हूं, इसे मैंने समझाने की कोशिश की, इसका मतलब क्या, ये जो वेलोसिटी है चार्ज की, चार्ज को कितनी वेलोसिटी दूं कि वो इस रीजन के अंदर से, इस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए, ये और कोई नहीं, कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ओनली। एक बार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो ये वेलोसिटी डिसाइड हो चुकी है, इतनी दे दोगे तो क्या होगा, ये अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? ये हटा दे रहा हूं। नाउ अब आप बोलोगे कि सर व्हाट हैपेंड कि अगर पार्टिकल को वेलोसिटी जो है वो वी नॉट से अगर थोड़ी सी ज्यादा दी जाए और कम दी जाए तो क्या होगा? V नॉट एक क्रिटिकल वेलोसिटी है जो कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पार्टिकल को वेलोसिटी दी और वो V नॉट से ज्यादा है, तो अब सोचो क्या होगा, ये कहां भागेगा, कौन बताएगा? ऊपर कि नीचे? डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कहां डिफ्लेक्ट होगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे। ना, ढंग से देखो, वेलोसिटी जो है वो वी नॉट से ज्यादा, देखो ध्यान से समझना, जो मैग्नेटिक फोर्स थी वो लगेगी ऊपर की तरफ, तो वो होगी, ध्यान देना, क्यू वी बी साइन 90, ऑब्वियसली बात है, साइन 90 हटा दो, साइन 90 है, क्यू वी बी साइन 90, ठीक है, ये लगेगी। लेकिन अब ध्यान दो, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी?
QE, ये सबको पता है, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ लगेगी। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या बोलने की कोशिश, अगर आपकी वेलोसिटी होती E by B, तो कितनी होती, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाती कि नहीं? यस सर। तो फिर ये क्या होता, स्ट्रेट लाइन भाग जाता। लेकिन अब जरा सोचो कि जो फोर्स है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं किया, तो ये फोर्स तो सेम रहेगी, ये तो सेम ही लगेगी, लेकिन ये फोर्स क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना? यस सर, ये डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि जब आपने वी नॉट रखा था, अभी वी नॉट करके दिखाया था, तो वी नॉट, जब मैंने वी की जगह वी नॉट रखा, तो ये जो फोर्स आ रही थी वो कितनी आ रही थी, क्यू ई। लेकिन जैसे ही आप एक वी रखोगे, वेलोसिटी रखोगे, जिसकी वैल्यू वी नॉट से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वी नॉट मतलब ई बाय बी से ज्यादा है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी ये थोड़ी सी ज्यादा आएगी, किससे, क्यू ई से। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होके ये कौन सी प्लेट से टकराएगा, ऊपर वाली प्लेट से टकरा जाएगा, ऐसे पॉजिटिव ऐसे टकरा जाएगा। क्या बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, तो अगर आपने पार्टिकल को वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल्स को वेलोसिटी किससे ज्यादा दे रखी है, V नॉट से ज्यादा दे रखी है, और V नॉट क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर टकरा जाएंगे, जाके ऊपर टकरा जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने कम दे रखी है, कम दे रखी है, तो फिर कहाँ टकराएंगे जाके, नेगेटिव, हाँ नीचे टकरा जाएंगे फिर जाके। अब ये इक्वल अपोजिट नहीं है, ये जाएगा ऐसे और ऐसे टकरा जाएगा, ध्यान देना। यहां तक आ गया समझ में कि नहीं आया? यस। पूरा बना दिया है ताकि समझ में आ जाए, यहां लिख रहा हूं, चार्ज पार्टिकल will strike the upper plate. The charged particle will strike the lower plate. और अगर आपने velocity दी कितनी, exactly equal to V naught, where V naught is E by B, ये कैसे भागेगा, now it moves in a straight line, तीनों लिख दिया है ताकि समझ में आ जाए। चार्ज पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट, तीन केसेस बता दिए, ठीक है। तो ये चीज समझ लेनी है आपको, कई बार ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे तो आपके दिमाग में फिर घुस जाना चाहिए बेसिकली कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ठीक है, अब देखना जरा, मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको क्लियरिटी रहनी चाहिए, देखो, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। इसी को कई बुक्स में कैसे लिखा जाता है, ध्यान से समझना, इसी को इस तरीके से लिखा जाता है, क्या बोले जाता है, लॉरेंज फोर्स, इसको बोला जाता है लॉरेंज फोर्स, ध्यान से समझना। लॉरेंज क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने बोला था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जहां पे प्रेजेंट है उसमें मूव करता है, यहां लिख रहा हूं, इफ अ चार्ज पार्टिकल
moves in both electric field E and magnetic field B. अब क्योंकि दोनों में मूव कर रहा है, ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, तो इस पे क्या फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह भी की वजह से भी लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लगेगी. देन नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल पारुल छवि इधर आइए. तो जो फोर्स लगेगी ध्यान देना, ये फोर्स किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. और ये किसकी वजह से है? मैग्नेटिक. हाँ, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है इसको नाम दे रहा हूं, ध्यान देना क्या नाम दे रहा हूं, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स उसने नाम दिया था. ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स. ये दोनों लग रही है, उन दोनों का वेक्टर सम जो है, ये जब मैं ऐड कर रहा हूं तो बेसिकली क्या है, वेक्टर सम में, तो ये आपको मिलती है नेट इलेक्ट्रिक नेट फोर्स. बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको यूज कर सकते हो आप. अब जैसे मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे डेरिवेशन करा के दिखा दिया, ये वाला जो डेरिवेशन, दोनों फोर्स लिखी दोनों के मैग्नीट्यूड को, क्योंकि पता है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है, तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दिया. लेकिन आप ध्यान देना, कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, कई बार क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लेते हैं. ऐसे पूछ लेंगे कि वैसे मैं एग्जांपल करवाऊंगा, अभी बेटर ये है मैं एग्जांपल करवाऊं, एग्जांपल से शो करूंगा. ऐसे बोल देंगे कि अगर एक पार्टिकल ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, इसका वी वेक्टर दे देंगे. ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे देंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे दिया. बोलेंगे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में रखूं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भागे. तो आप बस कुछ नहीं करोगे, आप इस नेट फोर्स को कितना कर दोगे, जीरो कर दोगे और कुछ नहीं. ठीक है, मैं ये करवाऊंगा अभी. ठीक है, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है फिलहाल. आप, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था आपको कि लॉरेंज फोर्स क्या होती है. लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दोनों की वजह से कुछ फोर्स लगती है और उन दोनों का वेक्टर सम जो होती है उसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स. ये है बेसिकली लॉरेंज फोर्स. बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर. ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स. ठीक है, मैं यूज करवाऊंगा अभी इसको, ध्यान देना, अभी यूज करवाऊंगा, बट मैंने आपको बता दिया इस तरीके से. ठीक है, ठीक है, दिस इज फॉर. अब देखो एग्जांपल है, इसी का एक एग्जांपल है और फिर मैं इसका एप्लीकेशन करवा के आगे निकल जाऊंगा. ध्यान से समझना, एग्जांपल है, ध्यान से समझना इस चीज को. अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया आपको क्लैरिटी हो जाएगी. इफ थ्री पार्टिकल्स are given different velocity in a region where both electric field of magnitude, ध्यान देना magnitude कितना है,
are present and perpendicular to each other. Find out which particle will move undeflected. कौन सा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा? ठीक है, डायग्राम देखना जरा. ठीक है, डायग्राम देखिएगा. ये है मैग्नेटिक फील्ड. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. तीन चार्ज हैं, ध्यान देना. ए बी सी. ए को दिया है 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, बी को दी है 35 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और सी को दी है 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी. बताइए कौन सा स्ट्रेट जाएगा? थोड़ा बड़ा बना देता हूं, इससे बैटरी है. सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी आ रही है? क्रिटिकल वेलोसिटी 30 आ रही है. ठीक है, पता चल रहा है. ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी हमेशा कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितनी दे रखी है? 300 न्यूटन पर यूनिट कूलम. और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको 30 टेस्ला. सबसे पहले आप क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल लो. क्रिटिकल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करती है. तो ई बाय बी दैट कम्स आउट टू बी 300 बाय 30. 30 है, 10 है, सॉरी 10 है सर. तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी आ रही है, जो पार्टिकल को देनी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड. अगर 30 से ज्यादा हुई किसी चार्ज के ऊपर तो वो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है. डिपेंड करेगा कि चार्ज कैसा है. ध्यान देना, अगर मैं इसे बोलूं ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, आप थोड़ा ध्यान देना कहाँ जाएगा. ये डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज है. ठीक है, जैसे वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, ये जो चार्ज था, ये वाला जो चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है. अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? तो देखो ध्यान से समझना, ये जो ए है, ये जो फर्स्ट वाला जो चार्ज है, क्योंकि इसके पास 30 है, ये स्ट्रेट भाग जाएगा, ये तो निकल जाएगा इस रीजन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके पास इतनी वेलोसिटी है. लेकिन ये जो बी है, बी और सी है, ये इसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी. अब जरा ध्यान दो, जैसे ये अंदर मूव करता है, इस रीजन में घुसेगा, कौन बताएगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, ध्यान से समझना, नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगी? नीचे की तरफ. भाई समझ में आ रहा है? यस सर. नीचे की तरफ लगेगी क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स लगती है ऊपर की तरफ. क्यूवीवी अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ लग रही है. ठीक है ना, बताया था ना, वी क्रॉस वी करोगे तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऊपर लगेगी लेकिन नेगेटिव चार्ज की तरफ नीचे लगेगी. यस सर. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है. नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगी.
अब कौन ज्यादा है, किसकी वजह से ज्यादा फोर्स लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, देखो 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये वाली जो फोर्स है एफ एम, वो एफ ई से ज्यादा होगी, जैसे ये अंदर घुसती है, ये नीचे यहां पे जाके कहीं टकरा जाएगा। आ गया समझ में? हाँ सर। यस सर। अच्छा तीसरा, अब तीसरा जैसे यहां पे घुसता है, तीसरा जैसे घुसता है तो फिर बताओ क्या होगा, कौन सी फोर्स कहाँ लग रही है? तो जैसे ही अंदर घुसता है, अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नीचे तो ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है वो ऊपर लगेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे लगेगी। क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है तो ये जो एफ एम है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो थोड़ी सी कम लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ज्यादा लगेगी, तो ये नीचे ही घुस जाएगा, ऐसे ये यहाँ कहीं टकरा जाएगा जाके। आई होप ये चीज समझ में आ गई है, ठीक यस सर। है? तो ये आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा चार्ज स्ट्रेट भागेगा और कौन सा चार्ज जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से कर पाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके यस सर। एक और देखो, ये एग्जाम्पल है, अब थोड़ा अलग है तो ढंग से समझना इस चीज को, थोड़ा सा अलग है, ठीक है? इफ अ पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी टू आई कैप प्लस 3j कैप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन यहाँ नहीं कराऊंगा, वो जेई मेंस में होगी, ठीक है ना? यहाँ नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे वही क्वेश्चंस कराऊंगा, तो बेसिक क्वेश्चन है, ढंग से समझना। इफ अ पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी टू आई कैप प्लस 3j कैप इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू के कैप टेस्ला, और ये मीटर पर सेकंड में, ऑब्वियस सी बात है ये मीटर पर सेकंड में, ठीक है? ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड आउट दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट द चार्ज पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और अनडिफ्लेक्टेड, इसी को क्या बोल देते हैं, अनडिफ्लेक्टेड। अब सोचो किसका क्वेश्चन है ये, अगर ढंग से देखोगे तो ये वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, ठीक है ना? यही क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या पूछा है? पूछा है मैग्नीट्यूड भी पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है। तो मैग्नीट्यूड तो आप 2 मिनट में बता दोगे, डायरेक्शन निकालने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो अब आप सोचो क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, अब आप जो है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। क्या दिमाग लगाओगे? आप बोलोगे सर मैं क्या करता हूँ, बेटर ये है कि मैं इतना बड़ा काम करने के बजाय मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले का यूज कर लेता हूँ, इससे क्या होगा, मेरा 2 मिनट में निकल जाएगा, कुछ नहीं है तो बचता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर अनडिफ्लेक्ट निकल रहा है तो वो तभी निकल सकता है जब इस पे नेट लॉरेंट फोर्स कितनी लगे, बताएगा कोई? जीरो जीरो जीरो। और नेट लॉरेंट फोर्स थी कितनी, क्यू ई प्लस वी क्रॉस डी। अब देखो इससे पता चलता है कि चार्ज हो या ना हो, दिया हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ई है वो होगा, अगर हो गया बी क्रॉस वी के इक्वल। ये समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। आपको पता है कि ई को कितना होना पड़ेगा, माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, और माइनस ऑफ वी क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, वी बी क्रॉस वी भी लिख सकते हैं। अब डी बी दिया हुआ है कितना है, 2k, वी भी दिया हुआ है कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप। कौन मुझे बी क्रॉस बी निकाल के दिखाएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है,
कैसे निकालते हैं, आई जे के, पहला वेक्टर है बी, तो बी को क्या लिखेंगे, 0 0 2, बी को 2 3 0, कौन बताएगा कितना आंसर आ रहा है इसका, आता है ना सभी को निकालना, -6i cap + 4j cap. बहुत बढ़िया, -6i cap + 4j cap, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, और इससे आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल पाओगे, मैग्नीट्यूड कितना आएगा बता दिया था ऑलरेडी, कितना आ रहा था, -6 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 + 16, That is √52, और √52 को लिख सकते हो आप, 2√, क्या है 2√2, कितना है बताएगा, 2√13, ये आ गया, तो मैग्नीट्यूड तो वहां पे भी निकल जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन डायरेक्शन नहीं निकलती, अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको डायरेक्शन पता चल गया, डायरेक्शन किस तरफ है बताएगा कोई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो आप एंगल भी निकाल सकते हो, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है आप एंगल भी निकाल सकते हो, जैसे ये कुछ यहाँ है, ध्यान देना ऐसे, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट है इसका कितना, -6i cap, और ये वाला कंपोनेंट है 4j cap, ये एंगल आप निकाल लोगे, डायरेक्शन निकल जाएगी, 10θ कितना जाएगा, 4/6, दैट इज 2/3, और नहीं भी निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा इस तरीके से, -6i cap + 4 देखा है, तो आप निकाल सकते हो, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो सर, स्ट्रेट भागेगा, ठीक है, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और किस डायरेक्शन में भागेगा, तो ये भी आप निकाल सकते हो, ध्यान से समझना, ये किस डायरेक्शन में भागेगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बना देता हूं, आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि किस डायरेक्शन में भागेगा, तो ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां पे, देखो ऐसे, ऐसे, ये है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर, इनसाइड इनसाइड भी, या आउटसाइड, बट बेसिकली यहाँ पे आउटसाइड है क्योंकि ऊपर की तरफ आ रही है ना, 2k cap है ना, तो आउटसाइड लगा दो, इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन ही भागता चले जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस तरीके से सोचना होता है, क्या बात आ गई समझ में, यस सर, कर लोगे वेलोसिटी सिलेक्टर, समझ में आ गया सभी को, यस समझ में आ गया सभी को, आगे चलूं अब मैं, यस सर, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है ना, और बहुत बड़ा सा जो है ना एक क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन होता नहीं उनको उन क्वेश्चन में कुछ, अगर समझ गए तो कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ मैं, अब कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको जो पूरा बता दिया है तो क्वेश्चंस करवाता हूँ कुछ, ठीक है, फिर मैं साइक्लोट्रॉन करवाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए पहले लॉरेंज फोर्स से देखते हैं, लॉरेंज फोर्स से स्टार्ट करते हैं, चलिए ये देखिए, ये जो क्यू वी क्रॉस बी था, ये एक्चुअल में लॉरेंज फोर्स का ही कौन सा कंपोनेंट है, क्यू वी क्रॉस बी जो है लॉरेंज फोर्स का कौन सा कंपोनेंट था, मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है,
a magnetic field कितना टेस्ला एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है कितना ऑन अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन मूविंग इन एक्स वाई प्लेन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे करेंगे बताएगा तू सर लॉरेंज फोर्स के पास नहीं लॉरेंज फोर्स तो है देखो अब वेलोसिटी पूछी है तो बेसिकली आप निकाल सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें निकाल पाओगे ऐसा कुछ नहीं है आप क्या करो ये फॉर्मूला लगाओ देखो समझने की कोशिश करना अब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें फोर्स नहीं पूछी आपको वेलोसिटी पूछी उल्टा पूछा है देखो तो आप क्या करो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बताओ चलो Z-axis. तो Z-axis को ऊपर ले लो यानी कि ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड ये वेलोसिटी सिलेक्टर का नहीं है ये लॉरेंज फोर्स है कौन सा लॉरेंज मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स का ठीक है ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड ठीक है और जो फोर्स लग रही है इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 4i कैप + 3j कैप ठीक है तो 4i कैप + 3j कैप कहां पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यस सर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दो ये है फोर्स और अंदर बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड अब जरा मुझे बताओ खुद सोचो कि पार्टिकल कहां मूव कर रहा होगा आपके पास दो ऑप्शन है मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं ठीक है दो ऑप्शन है ठीक है ना देखना जाता है राइट हैंड थंब रूल लगा के यूज करना है या तो ये आपको ये तो पता ही है कि जो मैग्नेट फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होता है अरे होता है कि नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड के तो वैसे ही परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा तो आप दो ही ऑप्शन बचते हैं या तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मुझे बताओ कौन सा सही है कौन सा हटाऊं दोनों में अरे थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा जल्दी बताओ मुझे ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ करके यूज कर लो ना यूज करो ये देखो V और B ऐसे देखो V यहाँ पे और B ऊपर की तरफ है ऐसे B ऊपर की तो ऊपर की तरफ रोटेट करो ऐसे B क्रॉस B थमका जा रहा है ऐसे जा रहा है खुद करके देखो पता चलेगा ठीक है तो क्या आंसर है ऊपर की तरफ कई बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए अच्छा अब ये कैसे निकालें कि वेलोसिटी कितनी होगी निकल जाएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है B का मैग्नीट्यूड पता है कितना है 4×10⁻³ ठीक है फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो कितना होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा कोई 5×10⁻¹⁰ 5×10⁻¹⁰ 10 न्यूटन 4i कैप + 3j कैप ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 तो 5×10⁻¹⁰ 10 चार्ज इतना अगर ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि V और B के बीच में भी कितना एंगल है V और B के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री ठीक है तो थीटा कितना आ गया 90 बहुत बढ़िया तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या फॉर्मूला था Q V B साइन थीटा फोर्स कितनी लग रही है इतनी चार्ज 10⁻¹⁹ V आपको निकालना है B 4×10⁻³⁹ sin 90
कौन बताएगा वी कितना है? ओके ये ऊपर जाएगा 500 हो जाएगा, 500 बटा 4 यानी कि 125, बहुत बढ़िया 125 मीटर पर सेकंड। अच्छा 125 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वैसे तो यही आंसर है 125, लेकिन इन्होंने क्या दिया, वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे निकालें वेक्टर फॉर्म में, ध्यान से समझना इस चीज को। कौन मुझे बताएगा ये एंगल, फोर्स की डायरेक्शन का एंगल क्या है? ये जो फोर्स वेक्टर है कितने एंगल पे होगा, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, टेन थीटा, कितना 3/4। ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। अच्छा टेन थीटा 3/4 कितने एंगल के लिए होता है, थीटा कितना है बताओ? 37। बहुत बढ़िया। ये है 37, ये कितना हो गया 53, ये कितना हो गया 37, हो गया मेरा काम। अब बताओ वेलोसिटी का कंपोनेंट बता सकते हो जल्दी? हो गया मेरा काम, बस यही तो करना था। ये है आपकी वेलोसिटी जो कि है 125, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बता दो, आपका काम खत्म। ये एंगल कितना है, 37 है। ऊपर वाला कंपोनेंट बताएगा कोई, 125 cos 37, नीचे वाला 125 sin 37। तो जो आपको वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 125 cos 37। ये किस डायरेक्शन में है? J cap। और ये 125 sin 37 ये कितना है, माइनस i cap। बस हो गया। जरा वैल्यू बताओ कितना आ रहा है cos 37, 4/5 होता है। I hope ये चीज समझ में आ गई होगी सबको। 25 × 4 100 i cap, 25 × 3 75 j cap, ये आंसर है। 100 j cap है सर। ओके उल्टा कर दिया मैंने, चलिए j cap 100 j cap 75 आई। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, डायरेक्टली तो कुछ नहीं दिया जाता है, इस तरीके से आप सोच सकते हो निकालने के लिए। और वैसे एक और तरीका है, अगर इस तरीके से नहीं निकल रहा है तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान देना, बता देता हूँ, ये सिर्फ बता रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं करूंगा, ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, आप खुद करके देख लेना। किस चीज को निकालना है, वेलोसिटी को निकालना है। वेलोसिटी को एक्स से मान लो, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप। ये चीज समझ में आ गई? Yes, मान लो अब एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। क्या एफ वेक्टर दे रखा है? यस दे रखा है, 4i + 3j 10^10 -10। क्यू भी दे रखा है, क्यू कितना है 10^10 -9। कौन मुझे ये बताएगा ये कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट मेथड, आई जे के, फर्स्ट वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट वी एक्स, वाई कंपोनेंट वी वाई, जेड कंपोनेंट 0, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 430। हाँ 0 0 4 × 10^-3। कौन बताएगा ये कितना है? ये दूसरा मेथड है, जिससे करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है देखो जरा। यस सर। ठीक है अब बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करना आता ही आप सब लोगों को। आता है ना सबको इक्वेट करना? हाँ सर। ठीक है इक्वेट जैसे ही आप करते हो तो आपको पता चलता है 4 × 10^-10 ये है x कंपोनेंट फोर्स का, और इधर देखोगे तो x कंपोनेंट क्या है 4 × 10^-12 vy। अगर आप यहां से vy निकाल लेते हो तो आप vy निकाल लेना, और दूसरी इक्वेशन आएगी 3 × 10^-10 इज इक्वल टू क्या है 4 × 10^-12 vx। तो vx vy इन दोनों इक्वेशन से निकल जाएंगे और वापस उसे उठा के डाल देंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको जैसे जैसे लगे अच्छा कर लेना। ठीक है ना, इस तरीके से मान के भी कभी कभी कर लिया जाता है। ठीक है समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट करिए, बताइए ये वाला। क्या दिया हुआ देखो, अ स्ट्रेट लाइन वायर ए बी कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, अ प्रोटोन पी ट्रेवल्स इससे 0.2 मीटर पे, एक प्रोटोन ट्रेवल कर रहा है नीचे की तरफ। प्रोटोन का चार्ज आप लोगों को सबको पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट एज शोन इन द फिगर, आपसे पूछा है कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एग्जर्ट ऑन द प्रोटोन, बताओ फोर्स लगेगी कि नहीं? लगेगी सर। सोचो कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको, ये जो करंट कैरिंग वायर है ये पी पे क्या लगाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, देखो जरा एक बार। यस सर। और वो आएगी ध्यान देना कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4π 2i/r। समझ में आया ये चीज? लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर की वजह से कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π r। तो इसे लिख दिया म्यू नॉट 2i/4π r। म्यू नॉट अपॉन 4π कितना है 10⁻¹⁷, 2i कितना है 4, और कितनी दूरी पे पूछी है पॉइंट पी, कितनी दूरी पे है 0.2 पे। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई, तो कितनी आई 4 × 10⁻¹⁶ टेस्ला। आ गया समझ में? यस सर। बस हो गया मेरा काम, ये है प्रोटोन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है यहाँ पे हर जगह पे, इसको वेलोसिटी दी है नीचे की तरफ, और इसका चार्ज भी पता है हमें कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹। मुझे सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता दो जरा, बताएगा कोई डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितनी है? मैग्नीट्यूड तो बात की बात है, डायरेक्शन बताएगा? राइट साइड वी क्रॉस बी, वी नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो वी क्रॉस बी अगर आप ऐसे करते हो, देख लो जरा मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखो ऐसे वी क्रॉस बी, ऐसे वी क्रॉस बी, तो ऐसे लगेगी फोर्स। ठीक है करके देख लो एक बार। ठीक है तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो फोर्स ऐसे लगेगी, ये है डायरेक्शन। ठीक है मैग्नीट्यूड देख लो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी बी साइन थीटा। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, किसके क्वेश्चन है, बोर्ड के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए। बी 4 × 10⁻¹⁶, बी 4 × 10⁻¹⁶, थीटा कितना है, वेलोसिटी नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की 90 डिग्री। बस हो गया,
नेट नेट फोर्स जो लग रही है वो लग रही है 2.56 × 10⁻¹⁹ N·⁻¹⁹ कितना 2.56 25.6 × 10⁻¹⁹ न्यूटन दैट्स इट क्वेश्चन समझने की देरी थी बस और क्वेश्चन ठीक है चलूंगा आगे यस सर ठीक है ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं आगे बनेंगे भी तो थोड़ा ध्यान देना ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन है लॉरेंज का फिर मैं इस पर दूसरे वाले टाइप के करवाऊंगा लास्ट क्वेश्चन है करिए लॉरेंज फोर्स के ज्यादा क्वेश्चन करवाए जाते नहीं है वो सिंपल है कुछ नहीं है ठीक है तो दो तीन क्वेश्चन करवा दिए आप खुद समझ लो ठीक है ना कुछ भी नहीं है उसमें ठीक है इसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाले करवाऊंगा ठीक चलिए करिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्स डायरेक्शन में है ठीक है तो ऐसे ये एक्स डायरेक्शन है तो ऐसे लगी हुई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ठीक है कितनी है 30 mT मिली मतलब 10⁻³ ठीक है एक पॉजिटिव चार्ज है ऑफ मास मास दिया हुआ उसका 1.67 × 10⁻²⁷ यानी कि प्रोटोन प्रोटोन है इस प्रोजेक्टेड थ्रू द फील्ड इन वाई डायरेक्शन ऐसे प्रोजेक्ट किया है सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कैसा मोशन करेगा चलो बताओ आप खुद बताओ पहले तो क्या इसे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दी है सर्कुलर यस सर तो कैसा मोशन करेगा सर्कुलर मोशन करेगा ठीक है सर्कुलर मोशन करने वाला है सर्कुलर मोशन करेगा तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फिर अब इसके बारे में तो सब कुछ पूछ लिया जाएगा सबसे पहले आपसे पूछी है इसमें कि ये बताओ What is the force acting on the charge? तो force को first वाला part तो आप खुद ही बता दोगे कितना होगा QVB sin 90. Why 90? Because velocity is perpendicular to magnetic field. Charge 1.67 × 10⁻²⁷. V 4.8 × 10⁻⁶. और ये है 30 × 10⁻³. So 10⁻³ यस कितना आ रहा देखना है रहा -14 ओके मैंने गलत कर दिया एक्चुअली में मैंने मास ले लिया ना सॉरी देखा नहीं मैंने प्रोटॉन है ना ऑब्वियसली बात है तो प्रोटॉन पे चार्ज होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ ओके अब ठीक है अब आ जाएगा ये -16 आ रहा है और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 230.4 जो भी है ठीक है नीचे डायरेक्शन बताएगा कोई किस तरफ है अंदर की बाहर की तरफ अंदर बहुत बढ़िया अंदर की तरफ इनसाइड ठीक है तो माइनस सेड एक्सिस ठीक है वी क्रॉस बी करके देख लेना ऐसे वी क्रॉस बी अंदर जा रहा है ठीक है आपका अंगूठा जो है अंदर चले जाएगा ठीक है अच्छा पूछ रहा है व्हाट वुड बी दी फोर्स इफ दी चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिवली तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिवली चार्ज होगा तो फोर्स तो उतनी ही लगेगी बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी ठीक है बी पार्ट में तो फोर्स उतनी ही लगेगी बट जो डायरेक्शन है वो कहाँ जाएगी बाहर ऊपर की तरफ आ जाएगी बाहर की तरफ यानी कि प्लस जेड एक्सिस डायरेक्शन और तीसरा पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन बोथ केस तो दोनों केसेस में क्या होगा इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ
बट यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप फ्रंट साइड से देखते हो, फ्रंट साइड से देखोगे ऐसे, कहाँ से यहाँ दिखा रहा हूँ ऐसे, फ्रंट साइड से देखोगे तो फ्रंट साइड से आपको क्या दिखेगा, ध्यान देना, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी बाहर की तरफ आती हुई ऐसे, पूरा अगर देखना चाहते हो तो फ्रंट साइड से हमेशा देख लिया करना, ठीक है ना। वैसे मैं जब जेई के क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको कैसे जो है उनको विजुलाइज करना है। ये तो विजुलाइज बहुत आराम से हो जाएगा। अब अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस था, ये है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे अगर दिखाऊंगा तो ध्यान से समझना, दिखाने के लिए यहाँ पे क्या है, ये है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और ये है जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अच्छा अब सोचो, मैंने वेलोसिटी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, बताइए फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, किस डायरेक्शन में लग रही थी फोर्स, पॉजिटिव चार्ज एक्सिस, हाँ फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, माइनस जेड। अब इमेजिन करो वेलोसिटी ऐसे दी और फोर्स ऐसे लगी, तो ये ऐसे मूव करता हो जाएगा, देखो ऐसे सर्कुलर मोशन करता हो जाएगा। तो बताओ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, हाँ। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लॉकवाइज करते हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ नेगेटिव चार्ज। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स कहाँ लग रही थी, प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन, प्लस जेड एक्सिस डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स इस तरफ लग रही है इस पे। अब क्योंकि वेलोसिटी ऊपर को दी है और फोर्स लग रही इधर, तो ये जब ऐसे मूव करेगा तो डिफ्लेक्ट होता हुआ ऐसे 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 होता हुआ सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे, तो ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से देख लेना है, ठीक है ना, ठीक है। मैंने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो कैसे बताया है, ये देखने पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे फ्रंट साइड से देख रहा हूँ, अगर यही बैक साइड से देखोगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से देख रहे हो, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा। तो फ्रंट साइड से देख रहे हो आप, ठीक। तो सर्कुलर पाथ है ऑफ रेडियस, तो अब रेडियस जो है आप निकाल लो, रेडियस जो है आर, आर क्या था, क्यू एम बी बाई क्यू बी, समझ में आ गया। वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, रेडियस ऑफ द पाथ होता है, वो एम बी बाई क्यू बी होता है, ठीक है ना। एम 1.67 10 रिश टू पावर -27, वेलोसिटी 4.8 10 रिश टू पावर 6, चार्ज 1.6 10 रिश टू पावर -19, एंड बी 30 × 10⁻³। तो ये मीटर में आंसर आ जाएगा 1.6। देखो अप्रोक्सीमेटली निकाल लो, इतना करने की जरूरत नहीं, 1.67 और 1.6 को उड़ा दो, 4.6/3 10⁻²⁻²⁷ प्लस 6, ये हो जाएगा -21, ऊपर जाएगा +21, ठीक है। ये आ गया 4.8/3 10⁻⁰⁰, तो 1.6 आ गया। आ गया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में काफी आए हुए हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इन सब चीजों पे।
एक एक चीज मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए if the radius of the path of an electron moving at a speed of 3 into 10 raised to the power minus 7 meter per second in a magnetic field 6 into 10 raised to the power minus 4 tesla perpendicular to it, matlab velocity aur magnetic field ke beech mein kitna angle hai, 90 degree, puch raha hai frequency batao aur energy batao, kisi ko yaad hai frequency kitni hua karti thi, टाइम पीरियड याद है? टू पाई एम अपॉन क्यूबी क्यूबी बैटरी आप सब कुछ निकाल लो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूं तो एक ही क्वेश्चन में जो है आप देख लो, हर बार अलग अलग नहीं होगा। सबसे पहले रेडियस बताओ, एटलीस्ट 5 बेसिक क्वांटिटी आपको निकालनी आनी चाहिए, वो जो 5 बेसिक क्वांटिटी है वो निकाल दो, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो क्या होगा एम वी बाई क्यू बी, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 रेज टू पावर माइनस 31, वेलोसिटी 3 इंटू 10 रेज टू पावर 7, चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 और बी 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। Not 3 into 6 into 10 raised to the power minus 4. बताइए क्या आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है देखो, यस कितना आ रहा है? 0.28 आ गया। ठीक है चलिए, पहला, दूसरा टाइम पीरियड, टू पाई एम अपॉन क्यूबी, टू पाई एम बाय क्यूबी, कैलकुलेट करो जल्दी। कितना आ रहा है देखो, 5.9 10 raised to power minus 8 सेकेंड, टाइम याद रखना है 10 raised to power minus 8 सेकेंड, ठीक है, ऑर्डर याद रखो बस 10 raised to power minus 8 सेकेंड, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में यूज होगा ये, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का उल्टा हो गया,
ठीक है, तो टाइम पीरियड का उल्टा यानी कि 4.8/30 10^8, ये एक जीरो चले गया, 1.6 10^7 हर्ट्ज, ठीक है? यस सर, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई और 2 MHz का रैंक का, इनका 2 MHz आ रहा है, हमारा कैसे क्यों आ रहा है? देखो जरा कुछ गलती हुई है क्या? लगभग आंसर कौन है शी? गलती हुई है, देखो जरा कहीं पे। ये मेरे ख्याल से ना 20 MHz होगा, गलत तो नहीं किया हुआ? देख लो जरा एक बार, सर 30/4.8 ना 6.25 आ रहा है। 6.25 आ रहा है, 6.25। चलिए यहां अगर 6.25 डालते हैं तो क्या आएगा? ये जो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है तो बेटर ये है कि ना आप कैलकुलेटर लेके बैठा करो, ठीक है ना? सबके पास कैलकुलेटर है तो धड़ाधड़ हो जाता है, वरना क्या है मैं इसी में फंसा रह जाता हूँ। एक जीरो गया है यहाँ पे, 62.5/3, ये मेगा हर्ट नहीं है, 20 MHz है, ठीक है ना? ये 2 MHz नहीं है, 20 MHz है, ठीक है? आया समझ में कि नहीं आया? यस, 20 MHz है, देखो ध्यान से सुनना, नहीं ये 2 नहीं है, 20 MHz, 20 point, यहाँ मेरा 20 point something आ रहा है, ठीक है, 20.6 के करीब, ठीक है, 20.8, बट ठीक है चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैलकुलेशन जितनी अच्छी तरीके से करोगे उतना ही बढ़िया है, ठीक है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या थी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो 2π T कर लो या 2π f कर लो, समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है, 2π/T, 2π/T, याद है? हाँ सर, 2π/T से भी आ जाएगा, 2π f से भी आ जाएगा, और एक और फॉर्मूला बताया था अगर याद होगा, QB/M, इससे भी आ जाएगा, तो जिससे करना है कर लो, बट इजी मेरे लिए मेरे ख्याल से कौन सा है, 2π f है, क्योंकि f निकाल चुका हूँ, तो 2π × 20 × 10^6 तो आ जाएगा 4 × 3.14 × 10^7, दैट कम्स आउट टू बी 12.4 × 10^7 रेडियन पर सेकेंड, ये चीज समझ में आ गई? यस सर, ये देखो अब कितनी क्वांटिटीज निकाल ली, लगभग 4 क्वांटिटीज निकाल ली मैंने, अब इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटी, बट एटलीस्ट ये 4 क्वांटिटी तो निकाल लो, इतना तो आना ही चाहिए, आप कर सकते हो ना? हाँ सर, चलिए, यस सर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसमें एनर्जी भी पूछी है, चलो एनर्जी भी निकाल लेते हैं, कितनी थी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर,
इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 × 10⁻³¹ और वेलोसिटी जो है वो है कितनी 3 × 10⁻¹⁷, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 81/2 × 10⁻³¹ + 14 जूल्स में लिखने का लगभग 40.5 × 10⁻¹⁷ कितना है देखना जरा -17, ठीक है आ रहा है समझ में? यस सर। जूल्स में आया, कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लेते हैं, तो पिछली बार बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स। तो आप क्या करोगे, अगर जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्टली ध्यान देना, जो एनर्जी जूल में दे रखी है ना उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट है 1.6 × 10⁻¹⁹ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जूल में दे रखी है ना एनर्जी उसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया, ठीक है। तो यह आएगा 14.1 / 1.6 × 10⁻²। आ रहा है समझ में? यस सर। तो बताओ जरा कितना आया, 40.5 / 16 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसी को 10⁻³ को लिख देते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान से समझना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आएगा लगभग 2.5 के करीब, 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख दिया जाता है इसे, ठीक है। 10⁻³ या तो 2.5 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो या 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो, बात वही है, ठीक है। आ गया समझ में? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना, ये मैं ही करवाता हूं, ढंग से समझना। 15,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिस्क्राइब्ड अ सर्कल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझना इस चीज में क्या दिया हुआ, 2.5 × 10⁻²⁻² टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, एक इलेक्ट्रॉन को भेजा गया, ध्यान देना, ठीक है। अब किसी को याद है मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी देने का तरीका क्या होता है, याद है ये सभी को, ये वाला? यस सर। चार्ज को वेलोसिटी कैसे दी जाती है, तो मैंने आपको बताया था सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, दो इक्वल एंड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लो, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, एक प्लेट के पास रख देना चार्ज को, ठीक है, वो भागते हुए दूसरे प्लेट पे जाएगा और होल लगा देना, बीच में होल लगा देना, तो होल से बाहर निकलता है तो वेलोसिटी लेके निकलता है, ध्यान से समझना। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट करूंगा तो वो कितनी एनर्जी एक्वायर कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। अब सोच के बताओ, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन को, ध्यान देना, इट इज एक्सेलरेटेड बाय 100 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर रहा हूं, बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर कर लेगा, तो कुछ नहीं करना आपको, 1 इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 वोल्ट से, कितना जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब ये है, ध्यान दो, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, एक वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 100 में कितनी होगी, 100 टाइम्स, ठीक है। यहाँ देखो, अब मैं इसी चीज को यहाँ पे बताता हूँ, एक्चुअल में यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या बोल रहा है, अ 15,000 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, 50,000 वोल्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ, देखो दो प्लेट लगाई, इसे दे दिया नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में एक होल कर दिया, इसके बीच में ऐसे एक होल कर दिया, और इन दोनों के प्लेट के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है,
15,000 वोल्ट का। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ये है आपका इलेक्ट्रॉन, अभी से जैसे ही छोड़ा तो ये ऐसे भागते हो जाएगा, ऐसे भागते हो जाएगा, और जब ये यहां से निकलेगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 1E × 15,000 वोल्ट, यानी कि 15,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? इतनी एनर्जी ये बाहर लेके निकलेगा। यस सर। जूल्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 15,000 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻¹¹. तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी 15 × 1.6 × 10⁻¹⁶ जूल। अच्छा, ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv². थोड़ा सा बड़ा है, और ये क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन जो है आपको करनी पड़ेगी, इसलिए इसमें इन क्वेश्चंस को बोर्ड में आने का जो है ना बहुत सारा चांसेस है, ध्यान देना। काइनेटिक एनर्जी है इतनी, बट काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? 1/2 mv² होती है ना काइनेटिक एनर्जी, तो mv² आ गया आपका 3 × 15, दैट इज 30, 1.6 × 10⁻¹⁹, वेलोसिटी निकल जाएगी इससे 48 × 10⁻¹⁹। इलेक्ट्रॉन भेजा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है? 9.1 × 10⁻³-31। 31 ऊपर गया, ध्यान से समझना इस चीज को, अप्रोक्सीमेटली निकाल के दिखाऊंगा। 10⁻¹² बताओ वेलोसिटी कितनी है? 48 का रूट कितना होगा? लगभग 7। आ रहा है समझ में? यस सर। और 9.1 का कितना होगा? 3। और 10⁻¹² का कितना होगा? 6। तो इतनी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ ये एंटर करेगा इसमें, ये है आपकी वेलोसिटी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ये मूव करेगा तो ये इस पर फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे मूव करता हुआ सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे। अब क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड पूरी नहीं बनाई है, तो ये ऐसे जो है रोटेट होता हुआ सर्कुलर मोशन करेगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है बताओ रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा था, राइट एंगल पे था ना। mv बाय क्यूबी, बस हो गया। देखो अब एक चीज समझो, समझने की कोशिश करो। देखो ये ना बहुत बड़ा काम हो जाता है, पहले वेलोसिटी निकालो फिर इसमें डालो। तो बेटर ये है कि मैं क्या करूं, आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं जिसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा मैं दे देता हूं, उसमें डायरेक्टली पुट करके आप निकाल सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², ठीक है। मैंने क्या सोचा, ये जो mv होता है इसी को बोलते हैं मोमेंटम। अरे बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। यस सर। किसी को याद है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², और एक और होती है p²/2m, याद है किसी को? हाँ सर। तो मोमेंटम जो हो जाएगा वो होगा √2mk, k इज ए काइनेटिक एनर्जी। अब इसको उठा के ना कहां डाल दो, इस फॉर्मूले में डाल दो, तो r कितना आ गया डायरेक्टली, r कितना आया? 2√2mk/qb। ये भी फॉर्मूला है, ये भी सही फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, याद रहेगा ये। यस सर। अच्छा एक और देख लो, एक और देख लो। अच्छा काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी ईवी, आया समझ में? हाँ सर।
काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी क्या, ई इंटू वी. ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट इज एक्सेलरेटेड. ये देखो, अरे यही तो करा था मैंने, ये पूरा जो काम किया था यहां से यहां तक, ये पूरा को पूरा वही तो था, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा था, वन ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट इज एक्सेलरेटेड, वही काइनेटिक एनर्जी थी. देखो मैंने तीन फॉर्मूले बता दिया रेडियस के, एक तो एम वी बाई क्यू बी है, एक टू एम के बाई क्यू बी. अगर के दिया जाए डायरेक्टली, जैसे बोला जाए एक पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट किया है थ्रू 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ऐसे बोले जाए कि पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ध्यान देना उसको जूल में कन्वर्ट करके यहां डाल देना बस, और कैलकुलेट कर देना, ये आ जाएगा रेडियस. और अगर ऐसे बोला जाए इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 100 वोल्ट, तो फिर आप काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना, जूल में, उठा के यहां डाल देना, बात वही है, ठीक है. तो क्योंकि मैंने यहां पे वेलोसिटी निकाल के दिखा दी है आपको, ठीक है, तो मैं रेडियस बता देता हूं. रेडियस आपका होगा 9.1 × 10⁻³¹. ये आप खुद निकाल लेना, मैं खुद कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये आप खुद देख लेना. चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है, 2.5 × 10⁻². ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, आपका रेडियस पता चल जाएगी. क्या बात आ गई समझ में? यस, ठीक है, ठीक है. तो आज के लिए काफी है, ठीक है, ये रेडियस आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, आज के लिए काफी है. कल मैं आगे चलूंगा, ठीक है, थैंक यू.